दोस्तों, धनिया भारतीय रसोई का अभिन्न अंग है। सब्जी का स्वाद बढ़ाने वाला धनिया आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मददगार है। दोस्तों, धनिया फायदेमंद गुणों के साथ साथ हमारे शरीर को कई तरीके के पोषक तत्व देता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सेलेनियम और जिंक जैसे मिनरल होते हैं, और थियामिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन ए, सी और के जैसे विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, धनिया एक आसानी से डाइजेस्ट होने वाला खाद्य पदार्थ है, इसलिए ये सुपाच्य है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि धनिया के क्या फ़ायदे हैं। ये पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ये कॉन्स्टिपेशन, गैस और इनडाइजेशन जैसी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी है। ये पेट के दर्द में भी फायदेमंद है, और इसका नियमित रूप से सेवन आपके डाइजेशन को सुचारू बनाए रखता है। दोस्तों, धनिये का सेवन बवासीर यानी पाइल्स जैसी समस्या में बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही है तो 30 ग्राम धनिया के बीज और 30 ग्राम मिश्री को लेकर के उसे 500 ml पानी में उबाल लें, और जब पानी आधा रह जाए तो उसे छानकर ठंडा होने पर पी लें। दोस्तों, ये नुस्खा खून को रोकने में बहुत ही सहायक है। दोस्तों, धनिये में न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण पाए जाते हैं, इसलिए ये मस्तिष्क संबंधी समस्याओं में बहुत ही लाभदायक है। इसका सेवन अल्जाइमर के खतरे को कम करता है, याददाश्त को बढ़ाता है और आपको मेंटली रूप से फिट रखता है। और अगर आपको सिर दर्द जैसी समस्या भी रहती है तो धनिये का नियमित रूप से सेवन आपको फायदा पहुँचाता है। दोस्तों, धनिया में पाए जाने वाले पोषक तत्व आपके बालों को भी पोषण देते हैं। इसके अलावा ये स्किन को भी चमकदार और जवान बनाए रखता है। दोस्तों, अगर आपको सांस में दुर्गंध या बदबू आने की समस्या है तो धनिया के 5 से 10 ग्राम बीजों को चबा करके खाएं। ऐसा नियमित रूप से करने से सांसों के दुर्गंध की समस्या दूर होती है। दोस्तों, धनिया वैसे तो हेल्थ कॉन्शियस लोगों की डेली डाइट में शामिल रहता है, लेकिन इसका अधिक मात्रा में सेवन नुकसान पहुंचा सकता। धनिया का अधिक मात्रा में सेवन शरीर में खून के थक्कों को जमाता है, इसलिए ये मासिक धर्म में रुकावट पैदा कर सकता है, और जो लोग खून को पतला होने के लिए दवाइयाँ लेते हैं उनको धनिये के सेवन को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, धनिया एक शुक्रनाशक है, इसलिए इसके अधिक सेवन से सेक्सुअल वीकनेस भी आ सकती है, और जिन लोगों को दमा है या सांस लेने में कठिनाई होती है उन्हें धनिये के सेवन से नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट तभी है जब इसका सेवन अधिक मात्रा में हो। इसका उचित मात्रा में सेवन आपको कई फायदे देता है, इसलिए दोस्तों आप धनिये का सेवन नियमित रूप से भले ही करें लेकिन उचित मात्रा में करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।